हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंस्पायर स्कॉलरशिप प्रोजेक्ट कैसे सबमिट करें। वीडियो इंपॉर्टेंट है, वीडियो को अंत तक देखते रहें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं या चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के साथ साथ आल के बटन पर क्लिक कर लें, जिससे कि सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास सबसे पहले और फ्री में पहुंचती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले प्रोजेक्ट पर काफ़ी वीडियो हम ला चुके हैं कि आखिर में आपको प्रोजेक्ट कैसे बनाना है, कौन सा फॉर्म भरना है। दोनों लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दिए गए हैं। उस पर बहुत सारे स्टूडेंट की कमेंट्स आ रहे हैं कि सर, हम ऑनलाइन वेबसाइट पर जाकर अपना प्रोजेक्ट जो हमने बनाया है किसी प्रोफेसर के अंडर में रिसर्च वर्क किया है, वो हमें सबमिट कैसे करना है, जिसके बेसिस पर आपको 20,000 रुपये का पेमेंट डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी द्वारा प्रोवाइड होता है। तो सबसे पहले आपको वेबसाइट पर आ जाना है, जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। उसके पास राइट हैंड साइड पर आपको साइन इन का ऑप्शन मिलता है, यहाँ पर आपको अपना लॉगिन आईडी डालना है, पासवर्ड डालना है एंड कैप्चा डालकर आपको साइन इन कर लेना है। साइन इन जब आप कर लेते हैं, आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आपकी स्क्रीन पर दिखने लगता है। आपको क्या करना है, स्कॉलरशिप फॉर हायर एजुकेशन क्लिक हियर, जो कि आपको ब्लू कलर का दिखता है, वहाँ पर आपको क्लिक कर लेना है। उस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस दिखने लगता है राइट हैंड साइड पर, जहाँ पर आपको रिलेटेड लिंक का ऑप्शन दिखता है। वहाँ पर थोड़ा स्क्रॉल करके नीचे आइएगा, जहाँ पर आपका बैंक डिटेल, डॉक्यूमेंट फॉर बीएससी, एमएससी, उसके नीचे एक मेंटरशिप का ऑप्शन आपको दिखता है। तो मेंटरशिप के ऑप्शन पर आपको क्लिक कर लेना है। वहाँ पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आपकी स्क्रीन पर दिखने लगता है। अब आपको क्या करना है, अप्लाई फॉर मेंटरशिप, ये देखिएगा यहाँ पर प्लस का निशान बना है, आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, अप्लाई फॉर मेंटरशिप के ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करते ही आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आपकी स्क्रीन पर दिखाई देने लगता है, जहाँ पर NOTE नोट लगा होता है कि डू नॉट सेंड एनी हार्ड कॉपी प्रोजेक्ट रिपोर्ट टू डेस्टी इंस्पायर डिवीजन, हार्ड कॉपी प्रोजेक्ट रिपोर्ट विल नॉट कंसीडर्ड अंडर इंस्पायर SHE कंपोनेंट। मतलब आपको कोई भी हार्ड कॉपी DST यानी डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी नहीं भेजना है। अगर आप कोई हार्ड कॉपी भेजते हैं तो वो कंसीडर नहीं की जाएगी, यानी आपको रुपए प्रोवाइड नहीं किए जाएंगे, ना ही उस पर कोई निर्णय लिया जाएगा। तो यहाँ पर आपको सामने क्या होता है, नेम ऑफ स्कॉलर, यहाँ पर आपका नाम दिया गया होता है, यहाँ पर आपका रेफरेंस एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर दिया गया होता है। अब आपको क्या क्या करना है, यहाँ पर होस्ट इंस्टीट्यूट यानी किस इंस्टीट्यूट के अंतर्गत आपने प्रोजेक्ट वर्क बनाया है। वैसे टर्म एंड कंडीशन तो ये होना चाहिए कि आप अगर किसी महाविद्यालय पढ़ते हैं तो वो आपका महाविद्यालय नहीं, किसी दूसरे महाविद्यालय यानी दूसरे कॉलेज आपका होस्ट इंस्टीट्यूट होना चाहिए। तो उस होस्ट इंस्टीट्यूट का आपको यहाँ पर नाम डालें, यानी उस कॉलेज का आपको नाम डाल देना है जिसके अंतर्गत आपने ये प्रोजेक्ट वर्क बनाया है। उसके बाद नीचे नेम ऑफ रिसर्च सुपरवाइजर, अपने प्रोफेसर का नाम डाल देना है जिसके अंडर में आपने ये प्रोजेक्ट यानी रिसर्च वर्क किया है, प्रोजेक्ट बनाया है। उसके बाद टाइटल ऑफ प्रोजेक्ट, जो भी आपका टाइटल है प्रोजेक्ट का, किस टॉपिक पर आपने बनाया है उसका टाइटल आपको यहाँ पर इंटर कर देना है। उसके बाद डेट ऑफ कमेंसमेंट यानी किस तारीख से आपने यह प्रोजेक्ट बनाना स्टार्ट किया, वो डेट यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद डेट ऑफ कम्प्लीसन यानी कब आपने अपना जो प्रोजेक्ट वर्क है कम्प्लीट कर लिया, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, मिनिमम 6 to 8 वीक का होना चाहिए, उससे ज़्यादा भी आप बना सकते हैं, 10 वीक का बना सकते हैं, 12 वीक का बना, यानी कम से कम आपका 6 से 8 वीक का होना चाहिए। उसके बाद पब्लिशिंग अराइजिंग फ्रॉम दी अब प्रोजेक्ट, अगर है कुछ तो यहाँ पर डाल दीजिएगा, अदरवाइज यहाँ पर डालना मैंडेटरी नहीं है, यानी ज़रूरी नहीं है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके पास ऑप्शन आ जाता है कि सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट, इस पर एक विस्तृत वीडियो हम बना चुके हैं कि सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट क्या होता है, कैसे कैसे फिल किया जाता है, उसके अंतर्गत क्या होता है, तो उसका डिटेल आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दिया गया है और जहाँ पर आप कमेंट करते हैं वहाँ पर आपको प्रोवाइड करा दिए गए कि कैसे कैसे आपको फिलअप करना है। तो यहाँ पर अपलोड के ऑप्शन पर क्लिक करके आप इसे अपलोड कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, जो भी आपका ये फाइल है, जो भी आपने प्रोजेक्ट पूरा वर्क बनाया है, वो मैक्सिमम 7 MB का होना चाहिए। तो अगर आपका ज़्यादा MB का है तो उसे कंप्रेस कर लीजिएगा, यहाँ पर 7 MB मैक्सिमम फाइल साइज रखा गया, यानी जो भी आपका प्रोजेक्ट जितने भी पेजों का है, 40 पेज का है, 50 पेज का है, 60 पेज का, जितने भी है आपका पेज का है, तो वहाँ पर मिनिमम
कम से कम आपका आकार होना चाहिए फाइल का, यानी आपका जो आकार जो होना चाहिए ज़्यादा ज़्यादा आप 7 MB तक रख सकते हैं। इससे ज़्यादा अगर अपलोड करेंगे तो अपलोड नहीं होगा। तो यहाँ पर अपलोड के ऑप्शन पर क्लिक करिएगा, आपके जहाँ भी मोबाइल लैपटॉप डेस्कटॉप जो भी आप डिवाइस यूज़ कर रहे हैं उससे आप अपलोड कर रहे हैं वहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पर थोड़ा वेट करिएगा, यहाँ पर आसानी से आ जाता है और सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन प्रोजेक्ट जब अपलोड हो जाता है तो उसके आगे क्रॉस का निशान लिख के आ जाता है, तो समझ जाइएगा कि आपका जो है अपलोड हो यहाँ पर हो गया है। उसके बाद ब्रॉड एरिया ऑफ रिसर्च प्रोजेक्ट, तो ये आपका ब्रॉड एरिया रिसर्च प्रोजेक्ट का आपका ब्रॉड एरिया क्या है वो आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। इतना करने के बाद आपको क्या करना है, यानी ये जो ब्रैकेट दिख रहा है, आई डिक्लेयर दैट द आर स्टेटमेंट गिवन बाय मी आर करेक्ट टू माय नॉलेज, इन केस एनी ऑफ अबव मेंशनड स्टेटमेंट इज फाउंड इनकरेक्ट आई एम अवेयर दैट माई कैंडिडेचर फॉर मेंटरशिप इज लेबल टू कैंसल्ड। मतलब जो भी हम यहाँ पर डिटेल दे रहे हैं वो हमारी बेस नॉलेज के अंतर्गत है, हमने कोई कॉपी पेस्ट नहीं किया है। अगर कुछ भी यहाँ पर गड़बड़ होता है तो हमारी मेंटरशिप जो है वो कैंसिल हो जाएगी। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, काफ़ी सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कॉपी पेस्ट कर देते हैं किसी दूसरे का प्रोजेक्ट लेकर, अपने प्रोजेक्ट लगा दिया या पूरा कॉपी कर दिया। ऐसा नहीं, आपको किसी प्रोफेसर के अंडर में ये रिसर्च प्रोजेक्ट बनाना है और दिखाना है कि आपने रिसर्च इस क्षेत्र में किया है, इतने दिन में आपने रिसर्च किया है, 8 वीक में किया है, 10 वीक में किया है, इस एरिया को हमने चुना, इसमें हमने ये रिसर्च किया। तो इसके अंतर्गत आप यहाँ पर क्लिक करिएगा, उसके बाद जैसे आप सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो आपके पास एक मैसेज आ जाता है कि मेंटरशिप डॉक्यूमेंट हैड बीन सबमिटेड सक्सेसफुली। फिर आपको क्या करना है, वेट करना है लगभग 2 सप्ताह से कम समय में। ध्यान दीजिएगा, लगभग 2 सप्ताह से कम समय में, अगर कोई भी प्रॉब्लम वेबसाइट में नहीं होती है तो 2 सप्ताह से कम समय में ही आपके नोटिफिकेशन बार में एक नोटिफिकेशन देखने लगता है कि योर मेंटरशिप डॉक्यूमेंट हैज बीन अप्रूव्ड, वहाँ पर डेट भी डली होती है। तो समझ जाइएगा कि आपका जो मेंटरशिप डॉक्यूमेंट है वो अप्रूव्ड हो चुका है। अगर वहाँ पर रिजेक्टेड का ऑप्शन आता है तो समझिए कि ये एक्सेप्ट नहीं हुआ है। तो अधिकतर जो आप टर्म एंड कंडीशन के अकॉर्डिंग बताते हैं और या जो भी टर्म एंड कंडीशन हमने आपको बताया प्रोजेक्ट बनाने में, उन टर्म एंड कंडीशन को अगर फॉलो करते हैं तो कन्फर्म होगा कि आपके विद इन 15 दिन के अंतर्गत ही आपका अप्रूवल का मैसेज आ जाता है और उसके लगभग 1-1.5 महीने के अंतर्गत ही आपका जो प्रोजेक्ट का पेमेंट होता है, यानी 20,000 रुपये का पेमेंट होता है, वो आपके खाते में DST यानी डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी द्वारा भेज दिया जाता है। तो फ्रेंड्स, ये था पूरा तरीका कि आपको कैसे अपना प्रोजेक्ट बना के यहाँ पर सबमिट कैसे करना है, सबमिट करने में क्या क्या आपको सावधानियाँ बरतनी है, कहाँ पर किस कॉलम में क्या क्या भरना है। विशेष ध्यान दीजिएगा कि जो डेट ऑफ कमेंसमेंट और डेट ऑफ कंप्लीशन, यहाँ पर स्टूडेंट गलती कर देता है जो कि कहीं ना कहीं कारण उसके रिजेक्शन का बनता है। मिनिमम 6 से 8 वीक, यानी मैं आप मिनिमम में मत जाइएगा, लगभग 6 से 8 वीक से ज़्यादा ही समय लीजिएगा, जैसे कि आपका प्रोजेक्ट के अप्रूवल के चांसेस लगभग 100% रहते हैं। और किसी अच्छे प्रोफेसर के अंडर में बनाइएगा, जैसे कि आपका उसमें क्वांटिटी ना हो क्वालिटी हो। काफ़ी सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, क्वांटिटी पर ध्यान देते हैं, 60 पेजों का बना देते हैं, 70 पेजों का बना देते हैं, लेकिन काफ़ी सारे स्टूडेंट जो किसी अच्छे प्रोफेसर के अंडर में प्रोजेक्ट बनाते हैं उनका अगर 40 पेज का भी होता है तो भी एक्सेप्ट हो जाता है, उससे कम भी एक्सेप्ट हो जाता है, क्योंकि उसमें क्वालिटी चेक की जाती है और विद इन 15 डेज के अंदर ही आपका अप्रूवल का मैसेज यहाँ पर डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी द्वारा आपको आ जाता है। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। इससे रिलेटेड अगर आपके कोई प्रश्न है तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट gmail आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दी गई है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब अवर चैनल।